हेलो लर्नर्स, आज हम बात करते हैं WTO के बारे में। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में हम इसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। सो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग एंड रेगुलेटिंग द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देशों के बीच में व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। Its main function is to ensure that trade flows as smoothly, predictably and freely as possible. इसका main function ये ensure करना है कि जो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, trade हो रहा है, वो smoothly हो, उसमें predictability हो और वो free हो। free मतलब कि आप countries के बीच में किसी तरह के कोई भी trade barriers ना हो। WTO started functioning on 1st January 1995. It has 164 members since 29th July 2016 और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन WTO के बारे में। WTO के बारे में और जानने के लिए सबसे पहले इसकी हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि किस तरह से WTO जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। ब्रेटन वुड एक जगह है न्यू हैम्पशायर USA में, जहाँ पर 1st July 1944 को 44 कंट्रीज के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस था कि किस तरह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इकोनॉमिक डिवास्टेशन हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है, उसको किस तरह से रिकवर करना है, किस तरह से रिवाइव करना है। इस कॉन्फ्रेंस में तीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इस्टेब्लिशमेंट को प्रपोज किया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक को देशों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिडंट एग्रीड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, GATT, विच वॉज द प्रोविजनल इन नेचर, केम इन टू द एग्जिस्टेंस इन 1948। सो GATT स्टैंड्स फॉर जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये GATT क्या था? GATT was a legal agreement between countries to promote international trade by reducing or eliminating trade barriers. The main principle of GATT was that no member country should discriminate between countries for conducting international trade. So GATT ka main principle ye tha ki jo sadasya desh hai wo aapas mein trade ko leke kisi tarah ka bhedbhav nahi karenge. सो GATT जो था वो एक प्रोविजनल, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, एक कॉन्ट्रैक्ट था सदस्य देशों के बीच में। 1948 में जब GATT एग्जिस्टेंस में आया तो 23 कंट्रीज ने इसमें सदस्यता ली, भारत भी उनमें से एक था। 31st दिसंबर 1994 को सदस्य देशों की संख्या 117 हो गई। GATT was simply a multinational treaty subscribed by the nations. GATT जो है GATT treaty का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो GATT जो था वो सदस्य देशों का एक, कह सकते हो कि एक एग्रीमेंट था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, सदस्य देशों के बीच में एक एग्रीमेंट था। एंड इट प्रोवाइड्स फोरम टू डिस्कस ट्रेड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेंबर कंट्रीज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। और GATT जो है एक तरह से जो मेंबर कंट्रीज है, कंट्रीज थी, उनको एक फॉरम, और यहाँ आप कह सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था जहाँ पे मेंबर कंट्रीज अपनी ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती थी। ओवर द ईयर्स GATT इवॉल्व्ड थ्रू सेवरल राउंड ऑफ नेगोशिएशंस। GATT हैड इट्स लास्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस इन 1986 एंड इट लास्टेड टिल 1994। तो GATT में क्या होता था कि कंट्रीज जो सदस्य देश होते थे आपसी वार्ता से, आपसी बातचीत से ट्रेड पॉलिसीज़ बनाते थे, ट्रेड नेगोशिएशंस करते थे। GATT में जो लास्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुआ वो 1986 से 1994 तक चला। इस राउंड ऑफ नेगोशिएशन को उरुग्वे राउंड भी कहते हैं और इस राउंड के बाद ही WTO जो था वो एग्जिस्टेंस में आया। GATT मोस्टली डेल्ट विद ट्रेड इन गुड्स, वेयर एज द WTO एंड इट्स एग्रीमेंट्स कुड नॉट ओनली कवर गुड्स बट ऑल्सो ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक ट्रेड क्रिएशंस, डिजाइंस, इन्वेंशंस, कॉपीराइट, पेटेंट्स एक्सेट्रा। GATT एंड WTO हैव हेल्प टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस ट्रेडिंग सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। GATT
और WTO ने एक स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम जो था वो इस्टेब्लिश किया, क्रिएट किया, जिसने कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको खूब बड़ा बढ़ाया। सो ये थी WTO के हिस्ट्री कि किस तरह से गैट पहले एग्जिस्टेंस में आया। गैट जो कि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, एक एग्रीमेंट था सदस्य देशों के बीच में, उसके बाद किस तरह से WTO जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, एक संगठन था, वो फॉर्मुलेट हुआ 1995 में। आगे हम पढ़ते हैं WTO का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। WTO का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है WTO का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो द जो ऑर्गेनाइजेशन ये स्ट्रक्चर है, इट इज़ हेडेड बाय द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO, विच इज़ टू मीट एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर्स। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल WTO मेंबर कंट्रीज। ड्यूरिंग दीज कॉन्फ्रेंसिस डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स कैन बी टेकन। नाउ बिलो द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देयर इज अ जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल इज अ परमानेंट ऑर्गन ऑफ WTO, वर्क्स अंडर द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जनरल काउंसिल मीट्स वंस इन एवरी मंथ एंड ऑल्सो वेन रिक्वायर्ड। डे टू डे वर्क इन बिटवीन द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसिस इज हैंडल्ड बाय 3 बॉडीज। दीज आर द जनरल काउंसिल, द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। इनफैक्ट दीज 3 बॉडीज दे आर द सेम, क्योंकि इसके मेंबर जो है वो सेम ही है। द जनरल काउंसिल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑल WTO अफेयर्स। इट मीट एज ए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी टू ओवरसी प्रोसीजर्स फॉर सेटिंग डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स एंड टू एनालाइज मेंबर्स ट्रेड पॉलिसीज। अंडर जनरल काउंसिल वेरियस काउंसिल्स, वर्किंग ग्रुप्स, कमेटीज वर्क, लाइक काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रिप्स, ट्रिप्स स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देन काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, काउंसिल फॉर ट्रिम्स, ट्रिम्स स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड देन ट्रेड नेगोसिएशंस कमेटीज। सो दीज आर द वेरियस काउंसिल्स कमेटीज, दे आर वर्क अंडर द जनरल काउंसिल एंड दे रिपोर्ट टू द जनरल काउंसिल। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ WTO। आगे हम देखेंगे फीचर्स, WTO के फीचर्स। सो फर्स्ट फीचर इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ 164 मेंबर कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अब तक 164 सदस्य देश है जो कि वर्ल्ड ट्रेड का 98% कवर करते हैं। अ टोटल ऑफ 25 कंट्रीज आर नेगोशिएटिंग मेंबरशिप। इसके अलावा 25 कंट्रीज ऐसी है जो कि इसकी मेंबरशिप के लिए WTO के साथ नेगोशिएट कर रही है। सेकेंड वन इज WTO इज बेस्ड ऑन मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। इट्स अल्टीमेट एम इज टू इस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ग्लोबल सिस्टम फॉर फ्री ट्रेड। इट इंजॉयज स्टेटस इक्वल टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक। थर्ड इज WTO हैज़ अ वाइडर स्कोप देन गैट, इट्स प्रीडिसेसर। इट कवर्स बिसाइड्स गैट एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इन्वेस्टमेंट। देन फोर्थ वन इज वाइल गैट वॉज अ प्रोविजनल ट्रीटी, ट्रीटी मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट, जहाँ पे गैट एक एग्रीमेंट था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, WTO इज अ फुल फ्लेजड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी जो कि एक लीगल एंटिटी है। ऑल मेंबर कंट्रीज आर कमिटेड टू द एग्रीमेंट विच इट पासिस। द डिसीजन मेकिंग अंडर द WTO इज कैरिड ऑन बाय द कंसेंसस। हाउएवर वेयर अ कंसेंसस इज नॉट रीच, इट इज डिसाइडेड बाय वोटिंग। ईच मेंबर हैज वन वोट। सो WTO में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सदस्य देशों की सहमति से लिए जाते हैं। अगर किसी तरह की सहमति नहीं बनती तो डिसीजंस जो है वो वोटिंग के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं। हर मेंबर कंट्री के पास एक वोट का अधिकार है। सेवंथ वन इज द WTO हैज़ अ लीगल पर्सनैलिटी। इट्स मेंबर कंट्रीज आर कमिटेड टू एंडो इट विद सच लीगल कैपेसिटी, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एज असेंशियल्स फॉर कैरिंग आउट इट्स फंक्शंस। सो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ WTO। आगे हम पढ़ते हैं WTO के फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है WTO का एडमिनिस्ट्रिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स।
मेंबर कंट्रीज के बीच में जो भी बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स या मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, WTO इंश्योर करता है कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो. नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइडिंग फॉरम फॉर ट्रेड नेगोसिएशन. WTO मेंबर कंट्रीज़ को एक फॉरम प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर कंट्रीज जो है वो ट्रेड रिगार्डिंग नेगोशिएशंस करती है, डिसीजंस लेती है, ट्रेडिंग अपनी पॉलिसीज बनाती है. थर्ड वन इज हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स. अगर मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट्स हो जाती है तो WTO में ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट एक बॉडी है जो कि इन डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है. देन मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, WTO नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करता है. देन फिफ्थ वन इज प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. WTO डेवलपिंग कंट्रीज है उनको असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. देन कॉपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा WTO जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, उनके साथ भी वर्क करता है. तो इस तरह से ये है WTO के फंक्शंस. लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. आई होप दिस सेशन क्लियर ऑल योर डाउट्स. टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.